आज बी विद बेटी एक खास इवेंट है, उसके लिए आई है, क्या कहना चाहेंगी, कितनी एक्साइटेड है अंदर के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि एक बेटी को तवज्जो दी जा रही है, बेटी को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है. और बी विद बेटी जो है, हैशटैग बी विद बेटी, ये अनुरंजन शशुरंजन जी ने जो ये टू डू रिस्पेक्ट विमेन, यू नो, ये एक मुहिम छेड़ी है. मोदी जी ने भी कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बहुत अच्छी बात है हिंदुस्तान के लिए ये मैसेज जाना. सिर्फ रैंप वॉक कैट वॉक ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, बट हाँ, आज मैं रैंप वॉक कर रही हूँ फर्स्ट टाइम, और शो स्टॉपर हूँ, और ये मेरा नया अवतार आप देख रहे हैं काश्यम का. बस मुझे आज खुदा बचाए कि मैं शो स्टॉपर में गिर ना जाऊँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों को गिरते हुए देखा है मैंने वॉक करते हुए. सबसे पहले तो मैं रिहर्सल आई, रिहर्सल किया, और मैंने जो जो डायरेक्टर है शेरा, उनको कहा कैसे वॉक करते हैं, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि ऐसे वॉक करते हैं. तो मैंने कहा कि ओ माय गॉड, पहली बार ऐसा लगा कि डांस करना ज़्यादा इजी है, वॉक करना बहुत मुश्किल. बट एक अच्छी मुहिम है, और अच्छे अच्छे दिल के साथ हिंदुस्तान की बेटी के लिए मैं इसे बढ़ावा देती हूँ और इसे सपोर्ट करती हूँ. और हिंदुस्तान की बेटी को और लोगों को यही एक ही बात ही कहना चाहती हूँ कि बेटियों को बढ़ावा दे, भ्रूण हत्या ना हो, और रिस्पेक्ट विमेन, रिस्पेक्ट विमेन. क्योंकि अभी अभी हमारे एक क्रिकेटर ने जी बिल्कुल कहा था जी, पता है कि मैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्या उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि एक कहा था, मतलब कितना पांड्या, पांड्या ना जी, हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या जी ने कहा था कि मैं कि मैं लड़की को पीछे से देखता हूँ, अगर मुझे पीछे अच्छा लगता है तो मैं माँ को जाके बोलता हूँ कि आज मैं करके आया हूँ. मुझे बहुत दुख हुआ. बट हार्दिक जी, आपसे के लिए एक ही मैसेज है, अगर पीछे से कभी कभी लड़का भी अच्छा दिखता है, तो अगर लड़की नहीं लड़का हुआ तो आप क्या करेंगे? बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने एक स्लोगन बनाया है हैशटैग भी बेटी के लिए, कि मैं हूँ हैशटैग बेटी, मैं फिल्मों में आगे बढ़ने के लिए कभी नहीं लेटी, और मैं हूँ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट की बेटी. तो प्यार करते रहिए इस बेटी से भी. थैंक यू. प्रोडक्शन सिखाने के लिए मेरे ख्याल से स्कूल नहीं है. हाँ, एक्टिंग है, डांस है, डायरेक्शन है, तो प्रोडक्शन सिखाने के लिए भी होना चाहिए. बहुत सारे प्रोडक्शन मैनेजर्स या बहुत सारे जो ऐसे हैं, तो उनको सिखाना चाहिए. अगर प्रोडक्शन अच्छा होता है तो बहुत अच्छा काम भी होता है. एंड ये तो सोचना ही चाहिए. और आज मैं बहुत खुश हूँ, और अभी थोड़ा बहुत नर्वस हूँ कि आज मैं शो स्टॉपर हूँ, और बहुत शो स्टॉपर के कंधे पर बहुत जिम्मेदारी होती है, और मैंने बहुत ज़्यादा हील्स पहन रखी है. तो मेरे लिए प्रे करना प्लीज़ कि मैं ना गिरूँ. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. यार, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि मेरी भी 5 बहनें हैं, एंड वी ऑल शुड सपोर्ट बेटी, नॉट मी, पूरी दुनिया को सपोर्ट करना चाहिए. एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर अनु, एंड शी इज़ अ फ्रेंड ऑल्सो, इज अ गुड कॉज, यू वॉक फॉर अ गुड कॉज, यू फील प्राउड. आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ हैशटैग बी विद बेटी, बिकॉज बेटियाँ क्या होती है मैं जानती हूँ. मेरे पापा ने मुझे बहुत कुछ अपने बारे में बताया, लाइक बींग अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, आई हैव डन टू मच थिंग्स फॉर माई फैमिली, आई वुड लव टू डू दैट एज वेल, एंड आई वॉन्ट ऑल द बेटीज टू डू दैट एंड मेक फील देम प्राउड, योर पेरेंट्स टू बी प्राउड एंड ऑल दैट. ओके, क्या क्या तैयारी करी है जस्ट वॉक करने के लिए आप बोल रहे हो? कुछ नहीं, नहाया धोया, सूट पहना, जेल लगाया और आ गया. और वॉक करने के लिए और कुछ? वॉक क्या, शेर चलता है तो दुनिया देखती है यार. ओह माय गॉड, पंचलाइंस काफी.